हेलो, स्वागत है आपका नई रेसिपी वीडियो में। आज मैं आपको चिली गार्लिक पराठा बनाना बताऊंगी। अब आप सोचेंगे पराठे में ऐसी क्या विशेषता है, तो इस पराठे में ना तो आटा गूंदना पड़ता है और ना बेलना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल टास्क हो सकता है बच्चों के लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं चिली गार्लिक पराठा। चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप आटा, आधा कप पोहा पिसा हुआ, लहसुन अदरक का कुटा हुआ या पेस्ट भी ले सकते हैं, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून शक्कर। अब हम पराठे का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आटा बाउल में डालते हैं और जो आटा हमने पाउडर किया था उसको भी डाल देते हैं। अब इसमें मैं आधा गिलास पानी लिया है मैंने, और इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं इसको घोलूंगी। अब ये बैटर तैयार हो गया है जो मैंने आटा और पोहे के पाउडर से तैयार किया है, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, और आप उसी तरह पानी ऐड करते जाइए। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, शक्कर और नमक स्वादानुसार, और सबसे आखिरी में अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ी सी। पैन में तेल को डाल के गरम कर लिया है। अब इस बैटर को डालते हैं। बैटर डालने के बाद में इसको फैला लें और पराठे का थोड़ा सा शेप गोल रखें। एक साइड से सिक गया है, अब हम इसको पलटते हैं। अब हम इसमें थोड़ा तेल लगाते हैं और इसको थोड़ा प्रेस करते हैं। देखिए थोड़ा फूल रहा है, प्रेस करने पे थोड़ा फूलता है, बिल्कुल पराठे के जैसा सिक गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लीजिए अब हमारा पराठा तैयार है। अब आप इसको चटनी और सॉस से खा सकते हैं या आप ऐसे भी खा सकते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए और हमारे पेज को लाइक करिए और हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।